शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है? प्रेम का व्याकरण पढ़ा क्या? फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 2004 15 अगस्त 2004 से निरंतर गतिमान सभी भारतीय भाषाओं के कवियों का एक साझा मंच जिसका नाम होता है सतमौला कवियों की चौपाल। पहले चौपाल पे चाय चला करती थी, हुक्का चला चलता था, और बोलते ना कि बहिष्कार करना था तो हुक्का पानी बंद, तो वो कल्चर जो होती थी वो चौपाल की होती थी। और आज चौपाल के मायने कुछ चौपाल के मायने वही हैं। अब चौपालें कहाँ सस्ती हैं? फेसबुक पे सस्ती हैं चौपालें, सस्ती हैं व्हाट्सएप पे सस्ती हैं चौपालें, सोशल मीडिया पे सस्ती हैं। लेकिन आपको बताऊं, सतमौला कवियों की चौपाल का अर्थ ये था, जितने भी हमारे कवि वर्ग हैं वो कवि वर्ग बहुत ही, अगर देखा जाए कुछ प्रतिष्ठित कवियों को छोड़ दें तो वो एक गुमनामी की जिंदगी जीते थे। ये उस गुमनामी की जिंदगी से निकाल करके सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाने का काम सतमौला कवियों की चौपाल कर रहा है। सतमौला कवियों की चौपाल में वैसे तो आज की डेट में अगर कहा जाए तो जब से एक कोरोना ने एक बहुत अच्छा एक माध्यम दिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन के साथ साथ आज स्थिति यह है कि जो बच्चा सही मायने में नामांकुर होता है, अभी उसने कली अंकुर खिली भी नहीं है, वो अपने साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तमगा लगा करके उसको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, ये इस चीज़ से बचाता हुआ ये कार्यक्रम है। ये केवल कविता का कार्यक्रम नहीं है, कार्यशाला है, शिक्षण शाला है। आज हमारे बीच में है देश की सुप्रसिद्ध कवित्री शायरा, उनका नाम होता है बड़े ही अदब के साथ जिनका नाम लिया जाता है, उर्दू शायरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, और उनके बारे में मुझे अपने पिताजी, मेरे स्वर्गीय पिताजी आचार्य जगदीश आर्य जी, अभी उनका लोहड़ी पे उनकी पुण्यतिथि थी, उन्हीं की प्रेरणा से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो लोग कई बार अपने कवि मित्र आपस में मजाक किया करते थे, पिताजी गीतकार थे, गीत के रूप में बात करते थे गीयता की दृष्टि से, तो कहते भी जब गीतकार या शायर जब ना तरुण में या गीयता की दृष्टि से पढ़ता है तो वो शब्द हल्के पड़ जाते हैं। तो मेरे पिताजी बड़े मुस्कुरा के कहते थे कि फिर जो महा सरस्वती है ना, उनके हाथ से वीणा निकाल के साइड में रख दीजिए। अच्छी बात तहत में हो या तरुण में, तहत में
जो शब्द है वही स्थान रखते हैं, वही अपना वजन रखते हैं। लेकिन एक प्रभु की तरफ से एक बोनस सा मिल जाता है ना, जिसके बाद गला होता है ना, वो उसका बोनस होता है। सही कहा। और वो हमारी अना दीदी को एक भगवान ने एक बोनस दे रखा है। जोरदार ताली के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ अना जी को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबको फिर से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और गजल की मेरी पहचान है, गीत भी लिखती हूँ। चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ समाज की जगह, और आप सभी को निवेदित लगे तो आप सबका मन चाहिए। जी स्वागत है, स्वागत है। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरी बहुत गजल गीत भी कहती हूँ ऐसा नहीं है, मगर गजल की पहचान बहुत अच्छी तरह है और मैंने कई 6 किताबें लिख रखी हैं। तो मतलब सुनिएगा प्रवीण जी, और आप सभी का मन चाहती हूँ। जी 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 जी। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इस कश मकश में हमने, वाह, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कभी हंस के रो दिए, ये चराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, बढ़िया है। इसी कश मकश में हमने, और शेर सुने, मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाए, मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए। वही हो गए पराए, इसी कश मकश में हमने। और गजल का आखिरी शेर, आप सब की दुआएं चाहती हूँ। जी 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 जी। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, क्या बात है, हम दोनों जिंदगी के
उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे, मैं उन्हें न देख पाई, वाह मैं उन्हें देख नहीं पाई, वो मुझे देख पाई, बहुत बढ़िया, में हमने और मक्ता भी सुन ले फिर आपसे इजाजत। हम दोनों जिंदगी के मेरे घर के बहामदर भी ऐना बदल न जाए, मेरे घर के बहामदर भी ऐना बदल न जाए, ऐना मैं भटकती फिर रही, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई राह दिखाई, फिर रही हूँ कोई रास्ता दिखाए, क्या बात बिताए, कभी हंस के रो दिए हमें, कभी रो के मुस्कुराए, ये थे विश्व प्रसिद्ध स्वर कोकिला और जिनको मैं इतने प्यार से हम दीदी के रूप में हम उनको बुलाते हैं, तो दीदी हैं दीदी हैं, तो एक तो दीदी मोदी जी बुलाते हैं बंगाल वाली को दीदी दीदी, लेकिन यहाँ लता जी को भी दीदी कहते हैं, लेकिन सही मायने में दीदी। मैं दो तीन कवियत्रियों का उर्दू शायरा का सतमौला कवि चौपाल में आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो है सतमौला कवि चौपाल में आज हमारे अगर मैं कहूँ शायरी के कविता के गुरुकुल राज कौशिक जी, बड़े आदर के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और राज कौशिक जी के सानिध्य में कई लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, शायरी का काखागा उनसे सीखा, ऐसे मैं उस्ताद शायर राज कौशिक जी को बड़े अदब और आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। राज कौशिक बहुत बहुत शुक्रिया परवीन भैया, मैं सबसे पहले सतमौला कवियों की चौपाल देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया एक शायर के तौर पे, मैं एक मतला और एक शेर अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिएगा कि मोहब्बत की कहानी को चलो अब मोड़ देते हैं, वाह मोहब्बत की कहानी को चलो अब मोड़ देते हैं, तुम्हें हर हाल में पाने की जिद को छोड़ देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत की कहानी को चलो अब मोड़ देते हैं, तुम्हें हर हाल में पाने की जिद को छोड़ देते हैं, और मैं उन गलियों में खुशबू के खिलाने फूल निकला हूँ, मैं उन गलियों में खुशबू के खिलाने फूल निकला हूँ, जहां के लोग पौधों को जड़ों से तोड़ देते हैं, मैं उन गलियों में खुशबू के खिलाने फूल निकला हूं, जहां के लोग पौधों को जड़ों से तोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा प्रेम भैया एक बतला और एक शेर और देखिएगा, मैंने कुछ नए अंदाज में एक बात कहने की कोशिश की है कि चलिए जब तक वो याद आता है तब तक दूसरा पढ़ता हूँ। देखिए हाँ चलिए, मैं एक मतला जो हमारे दर्शक हैं
उनकी नजर कर रहा हूं, और ना केवल अपनी तरफ से कर रहा हूं बल्कि पूरे मंच की तरफ से कर रहा हूं, साधना टीवी की तरफ से कर रहा हूं। जी। मैं कहता हूं कि आपके साथ जो गुजारी है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। और उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर, उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी, उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। और एक शेर देखेगा नए अंदाज में के उस तरफ अब भी अक्षुणी सेना, महाभारत उस तरफ अब भी अक्षुणी सेना, इस तरफ आज भी मुरारी है। आपके साथ जो मुरारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने पसंद किया। हाँ, वो मुझे याद आ गया जो मैं भूल रहा था, देखेगा मतलब कि नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है। क्या बात है, नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान है। क्या बात, नमी आंखों में होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है। और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। चलिए अब एक गजल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। मिला जो उससे मुझे यूं वो घाव ज्यादा था, मिला जो उससे मुझे यूं वो घाव ज्यादा था कि उससे मुझको भी थोड़ा लगाव ज्यादा था। मिला जो उससे मुझे यूं वो घाव ज्यादा था कि उससे मुझको भी थोड़ा लगाव ज्यादा था। और मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से, मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से कि जिन दिनों मेरा औरों से भाव ज्यादा मैं उन दिनों में ही ज्यादा बिका हूं औरों से कि जिन दिनों मेरा औरों से भाव ज्यादा था। और एक शेर देखिएगा कि हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे। ये सतमोला चौपाल की बात है, जो चौपाल संस्कृति के लोग हैं मैं जानता हूं, वहां तक ये शेर पहुंचेगा। हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे, ये तब की बात है घर में अभाव ज्यादा था। हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे, अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे, ये तब की बात है घर में अभाव ज्यादा था। और एक शेर देखिएगा कि सदा फिसलता था मैं उसके मकान के आगे ही, सदा फिसलता था मैं उसके मकान के आगे ही कि उस जगह पे गली का घुमाव ज्यादा, फिसलता था उसके मकान के आगे ही कि उस गली पे कि उस जगह पे गली का घुमाव ज्यादा था। और देखिएगा कि कभी भी बैठ बराबर में बात हो ना सकी, कभी भी बैठ बराबर में बात हो ना सकी, मेरा उतार तो उसका चढ़ाव ज्यादा, कभी भी बैठ बराबर में बात हो ना सकी, मेरा उतार तो उसका चढ़ाव ज्यादा था। हम अपने भाई के कपड़े पहन के भी खुश थे, कि तब की बात है घर में अभाव ज्यादा। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ, जब मैं राज कौशिक जी को सुन रहा हूँ तो साक्षात मैं अगर एक चित्र खींचूं या चित्र खींचने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे बोलूं कि मैं प्रेमचंद को शायरी करते हुए देख रहा था। शुक्रिया। प्रेमचंद जी ने जब ईदगाह कहानी लिखी उसमें जो हामिद का चिमटा और बिल्कुल वो किस प्रकार से अभाव में खिलौने छोड़ करके चिमटे को खिलौना बनाता है और अपनी बूढ़ी काकी अम्मा के लिए वो चिमटा जरूरत था
अभावों की जिंदगी में उसका हाथ जल जाता था बूढ़ी काकी का, उसी को खिलौने ना लेकर के अपने प्रतिस्पर्धी बच्चों से जो उसके किरदार थे उसमें से अलग हट करके जो प्रेमचंद जो बात कहना चाहते हैं, वही आज प्रेमचंद साक्षात जैसे शायरी पर उतर आए हों, उन्होंने शायरी में बात करी अभाव में भी, ये जो बात राजकोषिक ही कर सकते हैं। मैं उनका बड़ा बड़ा हार्दिक साधु, बहुत ज़्यादा उनका हार्दिक साधुवाद करता हूँ, जोरदार के साथ अभिनंदन करें। सतमोला कवियों की चौपाल में हम मिलते हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो बहुत अच्छी प्रस्तोता हैं, कवित्री हैं, अपनी बात बड़े असरदार तरीके से करती हैं, और मैं उनके कई उनके कवित मैं सुन चुका हूँ। मैं उनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर चारू कालरा भसीन जी को, जोरदार तारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है सतमोला कवियों की चौपाल में, और अपनी कुछ अभी के जो एक भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है इन दिनों, उस पर कुछ मन किया कि दो पंक्तियां कुछ आपके रूबरू करती हूँ, सुनिएगा। तुम नेता और हम कवि, तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुमने मान लिया भारत टूट गया, तुमने मान लिया भारत टूट गया, जो जोड़ने निकले ये हमारे स्वप्न से भी कोसों दूर है, और हम ये भ्रम तोड़ने निकले। हमारे स्वप्न से भी ये कोसों दूर है, और हम ये भ्रम तोड़ने निकले। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम बिके कभी धर्म पर कभी जाति पर, तुम बिके कभी धर्म पर कभी जाति पर, और हम कवि जब भी बिके मिट्टी की सुगंध पर। हम कवि जब भी बिके मिट्टी की सुगंध पर, तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। तुम नेता और हम कवि, बस इतना सा अंतर है। और कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी आज के समय में, एक छोटा सा व्यंग। अभी जो कुछ भी हुआ उस पे आप समझेंगे, पंक्तियों से आप तक समझाने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। इस कयामत के मंजर में बने रहना मूक दर्शक, तुम्हें शपथ है। इस कयामत के मंजर में बने रहना मूक दर्शक, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। बेटी बोटियों में हो, बेटी बोटियों में हो, या घसीटी जाए कार से। बेटी बोटियों में हो या घसीटी जाए कार से, दुख जताना चिंता करना चाय पे चर्चा करना। दुख जताना चिंता करना चाय पे चर्चा करना, बदलते चैनल के साथ और फिर मग्न हो जाना अपनी ख्वाबों की दुनिया में, और बने रहना मूक दर्शक। और बने रहना मूक दर्शक। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है। देखो मगर बोलो नहीं, तुम्हें शपथ है।
देखो मगर बोलो नहीं, अच्छा, तुम्हें शपथ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छे। ये थी डॉक्टर चालरुक वसीम कालरा जी, और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध कवि और सुप्रसिद्ध अधिवक्ता, अखिल भारतीय साहित्य परिषद मेरठ प्रांत के माननीय अध्यक्ष, जिनकी छत्र छाया में अनेक साहित्य, केवल हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषा के साहित्यकार अपनी रचना धर्मिता कर रहे हैं। उनको एक साहित्य संवर्धन का कार्य करते हैं साहित्य परिषद के माध्यम से। डॉक्टर देवेंद्र देव मिर्जापुरी जी बुलंदशहर से हमारे बीच में पधारे हैं और बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार हैं, रचनाकार हैं। मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करते हुए उनको रचना पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर देवेंद्र देव मिर्जापुरी जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, अनाद एलवी जी और बाकी सभी के समक्ष अपनी कुछ बातें रखने के लिए। और आर्या जी का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, प्रवीण जी का, कि उन्होंने मुझे इसमें आज इस लायक समझा और मुझे बुलाया। मौसम चल रहा है, बसंत आने वाला है, तो चार पंक्तियां मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। भारत की भारती की आरती उतारती है, सजती दिगंत में अनंत ऋतु प्यारी सी। भारत की भारती की आरती उतारती है, सजती दिगंत में अनंत ऋतु प्यारी सी। धरती की पोर पोर सज करती विभोर, ऋतु राज की बहार छाई मतवारी सी। ऋतु राज की बहार छाई मतवारी सी। वायु भर के सुगंध बहती है मंद मंद, वायु भर के सुगंध बहती है मंद मंद। झूमती है वल्लरी विलास भरी न्यारी सी, और शीत उष्ण ग्रीष्म और पावस ले संग देव। भारत की ऋतु है अनन्य सुकुमारी सी, भारत की ऋतु है अनन्य सुकुमारी सी। भारत की ऋतु सब पूरे विश्व में सबसे अलग है, और जब बसंत आता है तो कहाँ कहाँ आता है, कैसे आता है, स्वागत देखिए रखता हूँ जी। सरी में सरोवर में अनूठे कलेवर में, वल्लरी के जेवर में भाव भर लाया है। सरी में सरोवर में अनूठे कलेवर में, वल्लरी के जेवर में भाव भर लाया है। बाट बाट पावन में बैठ मन भावन में, झूमता तड़ागन में रंग बिखराया है। झूमता तड़ागन में रंग बिखराया है, और केली करे कानन में कुंजन के आंगन में। केली करे कानन में कुंजन के आंगन में, कलियों के आनंद को चूमने को आया है। और बिखरी अनंत गंध शोभते हुई दिगंत, घर घर में बसंत कंत मुस्कुराया है। घर घर में बसंत कंत मुस्कुराया है। तो बसंत ऋतु ऐसी होती है, क्या होता है देखिए, कि फूलने लगे पलास पेड़ बदले लिबास, बिखरी सुबास भी बोराई अमराई है। बहुत अच्छा। और एक छोटा सा गीत रखता हूँ आपके सामने आज इस कवियों की सतमोला कवियों की चौपाल में साधना चैनल से, कि मन छूते तन पुलकित करते, मन छूते तन पुलकित करते, लगते प्यारे प्यारे जीवन के गीत हमारे, जीवन के गीत हमारे। मन छूते तन पुलकित करते, लगते प्यारे प्यारे जीवन के गीत हमारे, जीवन के गीत हमारे। मन छूते तन पुलकित करते, लगते प्यारे प्यारे जीवन के गीत हमारे। आगे देखिए, इन गीतों में बजती भाती हमको पायल की छम छम, इन गीतों में बजती भाती हमको पायल की छम छम। शहनाई की गूंज गूंजती घुंघरू से बजते हरदम, शहनाई की गूंज गूंजती घुंघरू से बजते हरदम। मधुर मिलन की आस जगाते,
मधुर मिलन की आस जगाते मन के द्वारे द्वारे जीवन के गीत हमारे जीवन के गीत हमारे मन छूते तन पुलकित करते लगते प्यारे प्यारे जीवन के गीत हमारे अंतिम बंद में है इन गीतों में बसा हुआ है रिश्तों नातों का उपवन इन गीतों में बसा हुआ है रिश्तों नातों का उपवन सौरभ संग समीर बहे जो महक रहे हो धरा गगन सौरभ संग समीर बहे जो महक रहे हो धरा गगन देव सजे जो नील गगन में देव सजे जो नील गगन में सुन सूरज चंदा तारे जीवन के गीत हमारे जीवन के गीत हमारे मन छूते तन पुलकित करते लगते प्यारे प्यारे जीवन के गीत बहुत अच्छे और सतमोला कवियों के चौपाल में अभी हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे सतमोला कवियों के चौपाल में नए नवांकुर कवियों के साथ मिलते रहें जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में नमस्कार कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम एक नई टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा झावरा रतलाम से हमारे बीच आए हुए गीतकार राजेंद्र श्रुतिया जी को आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। वाह क्या बात। आइए एक माँ की वंदना में गीत पढ़ता हूँ। स्वागत जी, स्वागत है। स्वागत। अभावों में जी कर जो हमको पाले औरों को खिलाए अपने निवाले अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। वो ही तो माँ होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। माँ होती है कुनबे की चिंता जिम्मेदारियों का बोझ कुनबे की चिंता जिम्मेदारियों का बोझ औरों की खुशियों में ढूंढे अपनी मोह आंख खुली रख कर जो रातों में सोती है वो ही माँ होती है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंख खुली रख कर जो रातों में सोती है वो ही तो माँ होती है हमें लगे चोट और आह वो करे बेटे बेटियों के तीस इसकियां भरे हमें लगे चोट और आह वो करे बेटे बेटियों के तीस इसकियां भरे हरदम जो प्रेम के मोती पिरोती है वो ही तो माँ होती है वो ही तो माँ होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। की धूरी यही पुण्यों की भी सागर धर्म की धूरी यही पुण्यों की भी सागर प्रेम भक्ति स्नेह की छलकती सिंगागर। क्या बात है, स्नेह की छलकती सिंगागर जीवन के खेत में संघर्ष बीज बोती है
वो ही तो माँ होती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत होती है। और पूजा की पंक्तियाँ, स्वागत है, स्वागत है। के तीर्थ व्रति दौलत सब बेकार है, तीर्थ व्रति दौलत सब बेकार है, माँ के चरणों में ईश्वर साकार। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ईश्वर साकार है, अंधेरे से लड़ने को सदा बनी ज्योति है, वो ही तो माँ होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो ही तो माँ होती है, अभावों में जी कर जो हमको पाले, औरों को खिलाए अपने निवाले, अपनों के दर्द पर जो सदा रोती है, वो ही तो माँ होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए एक राष्ट्र वंदना में गीत प्रस्तुत कर, स्वागत है। कि हे हमारी जात से प्यारा धर्म, वंदे मातरम। हे हमारी जात से प्यारा धर्म, वंदे मातरम। ओ जुबा पर मरते दम हर बार, वंदे मातरम। कश्मीर से कन्या कुमारी, यही समीर का गान है, कल कल नदियों के प्रवाह में गान, वंदे मातरम। ओ जुबा पर मरते दम हर बार, वंदे मातरम। मंदिर यही मस्जिद यही, गुरुद्वारा भी गिर जाए, हम सभी का एक मजहब स्वर हो, वंदे मातरम। बहुत पर मरते दम हर बार, वंदे मातरम। चढ़ गए हंस कर भगत सिंह फांसी की चौपाल पर, हंसते हंसते दे गए एक मंत्र, वंदे मातरम। जुबा पर मरते दम हर बार, वंदे मातरम। के दुश्मनों के गोलियों की हमको भी परवाह नहीं, देश भक्तों का रही है ढाल, वंदे मातरम। ओ जुबा पर मरते दम हर बार, वंदे मातरम। के इस जमी के दुश्मनों मिट जाओगे दो रोज में, घर दिखाएंगे कभी तलवार, वंदे मातरम। ओ जुबा पर मरते दम हर बार, वंदे मातरम, हर बार वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी ने अपनी माँ और धरती माँ वंदे मातरम की बात करी है, बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी उन्होंने राष्ट्रभक्ति में। और इसी बीच हमारे साथ जींद हरियाणा से शकुंतला काजल शकुन जी आ गई हैं, मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। शकुंतला जी, आपका स्वागत। आप सभी को प्रणाम। जैसा भाई साहब ने पढ़ा, और अब मैं भी अपने देश के जवानों को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियाँ। स्वागत है आपका। वीर रस में कि डटे हैं सीमा पे वीर, भारती के रण धीर, मेला ना हो जाए चीर, आन बान शान का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डटे हैं सीमा पे वीर, भारती के रण धीर, मेला ना हो जाए चीर, आन बान शान का। वो अंगद है हमारे एक एक कि क्या कि ए अपनों में खुश रहे, बैरी को कभी न सहे, बिन मारे नहीं डहे, योद्धा हिंदुस्तान का। एक एक सोपे भारी, एक एक सोपे भारी, जज भाती नरो नारी, खून में है सरदारी, काम न गुमान का। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया। कि पहरेदारी करते हैं, पैर फूंक धरते हैं,
पहरेदारी करते हैं, पैर फूंक धरते हैं, देश है तू मरते हैं, गम नहीं जान का। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। डटा है सीमा पे वीर, भारती करण धीर, मेला ना हो जाए चीर, आन बान शान का, आन बान शान का। बहुत बहुत शुक्रिया। और मन हरण में ही मैं सुनाना चाहूंगी एक श्रृंगार संद। गोरे गोरे घाल वाली, अधरों के लाल वाली, हिरणी सी चाल वाली, इकलौती राधा है। गोरे गोरे गाल वाली, अधरों के लाल वाली, हिरणी सी चाल वाली, इकलौती राधा है। सोच हुए लाल गाल, फंस गया रे गोपाल, किसको बताए हाल, राधा बिन आधा। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। शुक्रिया। कि ढूंढता बहाने का ना, बरसाने कैसे जाना, ढूंढता बहाने का ना, बरसाने कैसे जाना, इन जैसा न दीवाना, भले मन सादा है। क्या बात, सांवरा संवारे बाल, आईना करे सवाल, बतलाओ नंदलाल, आज क्या इरादा है। गोरे गोरे घाल वाली, हिरणी सी चाल वाली, अधरों के लाल वाली, इकलौती राधा है, इकलौती राधा है, इकलौती राधा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक दिन अपनी रसोई में जैसे बनाती हर गृहिणी खाना बना रही थी, मैंने कबूतर और कबूतरी को देखा। स्वागत है। तो मन में विचार आया कि आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे। तो फिर वहां से रचना निकली एक ये कि कबूतर से बोली कबूतरी, कबूतर से बोली कबूतरी, सारी दुनिया घूमे जगह ना भाई दूसरी, कबूतर से बोली कबूतरी। कबूतर कबूतरी तो संदेश वाहक होते हैं ना, देश विदेशों में गए तो। पढ़ देखो इतिहास जरा माँ भारती के लालों का, गुरु तेग बहादुर ना होते तो होता नाश शिवालों का, शीश कटा जो धर्म बचा गए भूले गुजरी, कबूतर से बोली कबूतरी। अगला बंद देखिए कि बात यहीं पर खत्म न होती, किस्सा आगे और सुनो, माँ गुजरी का एक लाल, गुरु गोविंद सिंह का दौर सुनो, जिसके कारण एक पिता की जुबाना मुकरी, कबूतर से बोली कबूतरी। साहिब जादे चार गोविंद के, दो बालक नादान थे, पर हौसले इतने बुलंद की, टकराते चट्टान से, मुगलों के तरड़ाया पसीना दे कंपने उभरी, कबूतर से बोली कबूतरी। नजर लगी है मेरे वतन को, आओ मिले उतारेंगे, बहकावे में हुई जो गलती उसको मिले सुधारेंगे, क्या बात। रोप गए जो खून से बगिया, रोप गए जो खून से बगिया, रखेंगे उसे सोथरी, कबूतर से बोली कबूतरी, बोली कबूतरी। जय हिंद, जय भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
डटा है सीमा पे वीर, सीमा पे वीर डटा हुआ है जो सीमा की रक्षा कर रहा है। तो इसी बीच हमारे बीच बड़ौद उत्तर प्रदेश से भारत की गौरव गाथा बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कुसुम कमल शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मैडम। नमस्कार। भारत की गौरव गाथा के विषय में बताने चले हैं। सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कितना गौरवशाली है, फिर भी कुछ प्रयास करने चले हैं। बताती हूँ अपने विचार एक रचना में ढालकर, एक गीत में ढालकर। जी स्वागत। कि भारत की परंपरा। क्या बात, भारत की परंपरा। भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं, जग में कहीं और नहीं, जग में कहीं और नहीं। क्या कर रहे हो? माटी की सुगंध से कौन सराबोर नहीं। बहुत सुंदर। माटी की सुगंध से कौन सराबोर नहीं। और हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ हैं उनके ज्ञान से देखिए के अनुभव के लगते रहे दुनिया में मेले, रंगमंच पे खेले चाहे जीवन में झेले। बहुत सुंदर। अनुभव के लगते रहे दुनिया में मेले, रंगमंच पे खेले चाहे जीवन में झेले। जो ना हुआ प्रभावित जो ऐसा कोई दौर नहीं, ना हुआ प्रभावित जो ऐसा कोई दौर नहीं। भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। बहुत बढ़िया। और हमारा विज्ञान तथा मनोविज्ञान के तथ्य बताए जो ना सच को छिपाए, मन को सुहाए वही गीतों में गाए। तथ्य बताए जो ना सच को छुपाए, मन को सुहाए वही गीतों में गाए। जहाँ उगे नहीं सूरज वहाँ पर भोर नहीं, जहाँ उगे नहीं सूरज वहाँ पर भोर नहीं। और हमारा दृढ़ संकल्प तथा उसके परिणाम देखिए जी, कि इंसानियत के बल हम बढ़ते रहे हैं, दुष्कर्म पापों से बचते रहे हैं। इंसानियत के बल हम बढ़ते रहे हैं, दुष्कर्म पापों से बचते रहे हैं। फिर ना बरसे जो यहाँ पर ऐसी घटा घोर नहीं, बरसे ना यहाँ पर ऐसी घटा घोर नहीं। भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। और अंत में गीत का संदेश सुनिएगा कि मैं कहती हूँ कि बोलो सदा ही श्रम बीज जमी पर, बोलो सदा ही श्रम बीज जमी पर, मानो न मानो यह
छोड़ा तुम्हें, बोलो सदा ही श्रम बीज जमी पर, मानो न मानो यह छोड़ा तुम्हें पर, मत मेरा कृत तेरा कोई बर जोर। अरे वाह दीदी, कमाल कर दिया आपने। मत मेरा कृत तेरा कोई बर जोर नहीं, माटी की सुगंध से कौन सराबोर नहीं, भारत की परंपरा जग में कहीं और नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। कुसुम दीदी ने भारत की गौरव गाथा का बयान जिस तरह से किया, आज पूरा देश उस गौरव गाथा को सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। इसी बीच हमारे साथ जींद हरियाणा से धीरज कुमार जी आ चुके हैं। मैं धीरज कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत धीरज जी। सबसे पहले मंच का आभार, और अपनी दो पंक्तियों से आप सब तक पहुंचना चाहूंगा, उम्मीद है आप साथ देंगे। स्वागत स्वागत स्वागत। दिल के रिश्तों में साजिशों का दौर आ गया है। दिल के रिश्तों में साजिशों का दौर आ गया है, लगता है सियासत में कोई और आ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब शुरू करूंगा अपना कि तरन्नुम में आपके समक्ष कुछ ख्याल पेश करूंगा कि मीरा का प्रेम कृष्ण जी के लिए क्या था, और आजकल हम भी उसी तरीके का प्रेम समाज में देखते हैं और चाहते हैं। स्वागत। तो आपके बीच रखता हूँ। हो ये मुमकिन अगर वो मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, क्या बात। हो ये मुमकिन अगर वो मेरा हो जाए, मैं पढ़ूं कलमाए इश्क फासले कम हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो मुकम्मल जब तलक सांसें मेरी, हो मुकम्मल जब तलक सांसें मेरी, मैं उसकी मीरा बनूं वो मोहन। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं उसकी मीरा बनूं वो मोहन हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक गजल के कुछ मिसरे आपके बीच में रखना चाहूंगा। स्वागत है, आप भी, उम्मीद करता हूँ आप भी शामिल होंगे उसमें। स्वागत है जी। हाल पूछोगे तो हम बतलाएंगे, हाल पूछोगे तो हम बतलाएंगे, राज जितने हैं तुमको बताएंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। जिंदगी का भरोसा तो है ही नहीं, जिंदगी का भरोसा तो है ही नहीं, मरते मरते हम जी के दिखाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आजकल वादों की बहुत अहमियत हो गई है जो कि निभाए जाते नहीं है। तो उस दौर में लिखा कि वादा जो भी किया वो निभाया नहीं, वादा जो भी किया वो निभाया नहीं, वक्त देकर वक्त पे आया नहीं। क्या बात है, शुक्रिया। yeah. और आखिरी में चार पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा जी। स्वागत। मेरे हमदम मेरे हमराज, ख्यालों को भी सुन लेना। वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरे हमदम मेरे हमराज, ख्यालों को भी सुन लेना, हर एक बरसात के मौसम मेरे जज्बात सुन लेना,
मैं तुमको तो समझ कर अपना एक फरियाद करता हूँ, मैं तुमको तो समझ कर अपना एक फरियाद करता हूँ, तेरे हिस्से के गम सारे मेरे हिस्से हमदम मेरे हमराज, ख्यालों को भी सुन लेना। और इस गजल का आखिरी चार ख्याल आपके सामने है, दिल के द्वार पर कोई मगर अनजान लगता है, दिल के द्वार पर कोई मगर अनजान लगता है, धड़कते दिल की है दस्तक कोई नादान लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम मुमकिन जो पढ़े जाए हर्फ हर एक मोहब्बत के, हो मुमकिन जो पढ़े जाए हर्फ हर एक मोहब्बत के, फकत मुझको जो समझे मुझे भगवान लगे। बहुत सुंदर, बहुत दिल के द्वार पर कोई। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, कमाल कर दिया। हमारे नवांकुर कवियों के बीच में मध्य प्रदेश छतरपुर से अंकित जैन जी हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। मैं उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। अंकित जी आपका स्वागत है। भारत के उर में बसा प्यारा मध्य प्रदेश, राजधानी नौगांव था जबता बिंध्य प्रदेश, बुंदेली परवेश में शीतल तरोवर छाव, और चौराहों का नगर है नित नूतन नौगांव। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हम गजल रखेंगे। स्वागत। पागल है मन को बहलाए रहता है, इस दुनिया से आस लगाए रहता है, और बात बात में खंजर उसने तान रखे, और झूठ को सच की बात बताए रहता है, अल्फाजों के जख्म वो बुद्धू क्या जाने, अंदर बाहर घाव बनाए रहता है, भागम भाग मची है सारी दुनिया में, और फिर भी मीठे ख्वाब सजाए रहता है, इसकी चुगली उससे करता रहता वो, पर भी कितने रात छुपाए रहता है, वो मक्कारी बेईमानी, वो मक्कारी बेईमानी सीख न सका वो, और इस दुनिया से आस लगाए रहता है, और सीख न लेता अंकित मतलब की दुनिया, अपनी अपनी बात लगाए रहता है, अपनी अपनी बात लगाए रहता है। एक हमें एक वीर रस की एक कविता यहाँ पे बैठे बैठे एक याद आ चुकी है। काल चक्र संग झंडा लेकर मैं भी सीना ताने चला, रोक सके तो रोक ले मुझको जीवन का बलिदान चला, जीवन का बलिदान भला, और वही थाम कर चलता है इसको जो कठोर हो अनुशासित, और जिसके मन में पले वीरता और तपस्या का बल भी, लक्ष्य को लेकर अपना जीवन, लक्ष्य को लेकर अपना जीवन बलि वेदी का मान बने, और रोक सके तो रोक ले मुझको जीवन का बलिदान भला। शीतल जल और मंद पवन, शीतल जल और मंद पवन चहुओर दिशा सुगंध बिखेरे, विंध्याचल की श्रृंखला ऋषि मुनियों का वैभव है, और जिधर भी दृष्टि डाली जाए, और जिधर भी दृष्टि डाली जाए पर्वत श्रेणी आकाश छूती चले, और रोक सके तो रोक ले मुझको जीवन का बलिदान भला। याद रहे वो वीर सपूत जो, याद रहे वो वीर सपूत जो साहस सौंदर्य का प्रतीक है, और यश कीर्ति विजय पराक्रम फैली दूर दूर तक है, पथ में जो भी बाधाएं आए
निर्भीक उनसे टकराने चला, रोक सके तो रोक ले मुझको, करने प्राण बलिदान चला। क्या बात, बहुत बढ़िया। काले चक्र संग झंडा लेकर मैं भी सीना तान चला, और रोक सके तो रोक ले मुझको, जीवन का बलिदान भला। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया अंकित, बहुत बढ़िया। अभी एक छोटी सी एक हास्य व्यंग एक हम सुना दें आपको। जी स्वागत है। हमसे कहते हैं आपकी शादी नहीं हो रही है, तो हमने लिखा था बिना ब्याह मर जे हैं का तुम जरा बता दो, और सड़क के ऊपर नाव चले हैं हमें बता दो, और जीवन की फुलवारी महके चहके मन जो ईमन में या गुलशन भर दो हमें बता दो, बता दो। पूजा कर रहे फूल चढ़ा रहे नाम जप रहे गला गेंद जो बंद करा दो हमें बता दो, और उनका इंतजाम करे हमें बता दो, ईको कैसे काम चले अब हमें बता दो, कक्का कह रहे बढ़िया मोड़ी ढूंढ के ला रहे पर ढल रही जाओ उम्र जल्दी करवा दो, और खूब बुलाते जा रहे और खूब नेग खूब नाचे संग में हमरी में नचवो सब चाहत अब करवा दो। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित जी। तो अंकित जी ने अपने मन के उद्गार आपके सामने रखे, और इसी क्रम में मैं हमारे बीच प्रवीण गोस्वामी जी इंदौर से आ चुके हैं, जो कि वीर रस से हम सभी को ओज का भाव भरने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रवीण गोस्वामी जी का। स्वागतम प्रवीण जी। साधना देवी का धन्यवाद जो मुझे इनवाइट किया है। एक बेटे की पीड़ा आपके बीच सौंप रहा हूं। एक अनजान शहर में आता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं गांव में कि आपका बेटा बड़े शहर में गया, वो अय्याशी कर रहा है या कुछ कर रहा है। पिता अपने घर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सच में मेरा बेटा अय्याशी तो ना कर रहा है। वो बेटे को पत्र लिखता है, जब पत्र बेटा पढ़ता है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो चार पंक्ति अपने पिता को लिखता है, क्या लिखता है सुनिएगा। कि फिकर न कर बापू काम ऐसा कर जाऊंगा, कि फिकर न कर बापू काम ऐसा कर जाऊंगा, बांध के कफन जब रण में जाऊंगा, सिर तेरा ऊंचा है ऊंचा ही रहेगा, कि सिर तेरा ऊंचा है ऊंचा ही रहेगा, बेटा अब तेरा ऐसा काम कर जाएगा, बांध के कफन जब रण में ये जाएगा, कि बांध के कफन जब रण में जाएगा, तो लाहौर की छाती पे तिरंगा गाड़ेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन के पास से आता हूँ, लोग भारत विरोधी नारे लगा देते हैं। मैं चार पंक्ति उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। सुनिएगा कि गांधीवादी की गांधीवादी विचारधारा पे अब भी हम चलने लगेंगे, तो फतर बाजी वाला ये दौर नहीं रोक पाएंगे, और भारत मेरे के यदि भारत ही मुर्दाबाद बोलने लगेंगे, तो राणा के बेटे हम अब मौन नहीं रह पाएंगे, और समझ समझ के नादान बनोगे तुम। माफी चाहता हूँ, ये देश का युवा भूला नहीं है। जब हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम हारती है पाकिस्तान की जीत जाती है, कुछ लोग यहाँ जश्न मना लेते हैं, लेकिन यूपी में बैठकर बुलडोजर बाबा ने थोड़ी सी कार्रवाई कर दी तो उस देश के नेताओं को मिर्ची लग गई, बयान पे बयान देने लगे कि हमारे बच्चों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मना लिया, तो क्या फर्क पड़ गया। मैं तो कहता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे दिन दिल्ली में बैठकर एक मंत्री कमेंट कर देता, उसका नाम लेना भी ऐसी जगह से मैं उचित नहीं समझता, दूसरे दिन वो कमेंट कर देता है कि दूसरे दिन वो कमेंट कर देता है कि इस देश इस्लाम की जीत हो गई है, तो इस देश के 140 करोड़ हिंदू और मुसलमान को सोचने की आवश्यकता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। सुनिएगा कि समझ समझ के अब नादानी बनोगे तुम, कि समझ समझ के अब नादानी बनोगे तुम, तो 47 वाला ये दौर दिखला देंगे, और रहेंगे अटल अब्दुल वाली इस विचारधारा पे, कि रहेंगे अटल अब्दुल वाली इस विचारधारा पे, तो हाथ जोड़ सम्मान भी किया जाएगा, और भारत मेरे की यदि भारत ही तोड़ने लगेंगे, कि भारत मेरे यदि भारत ही तोड़ने लगेंगे, तो राम की कसम परशुराम वाला शस्त्र भी उठाएंगे। दो पंक्ति और सौंपना चाहता हूं, इस देश को क्या चाहिए, कि केसर की इस क्यारी में, कि केसर की इस क्यारी में बीज बबुल का नहीं उगने देंगे, कि केसर की इस क्यारी में बीज बबुल का नहीं उगने देंगे, अरे अब्दुल तो पैदा होंगे अब बीज धरा पर, कि अब्दुल तो पैदा होंगे अब बीज धरा पर, मगर कसाब नहीं होने देंगे। लोगों के खिलाफ जो हमेशा जातिवाद पे हमें लड़ाते हैं, कि देश जलाने वालों का कोई धर्म या मजहब नहीं हो सकता, भारत माँ को गाली दे दे वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। दो पंक्ति और अपनी बातों को विराम देता हूँ, कविता को विराम देता हूँ। इस दिल्ली को क्या चाहिए,
मेरे इशारे को समझ जाइएगा कि शब्दों के आगे शब्दों का, कि शब्दों के आगे शब्दों का एक मेल दिखाई देता है। राणा के बेटे हैं हम, हमें अब युद्ध दिखाई देता है। वंशपात की इस राजनीति का, वंशपात की इस राजनीति का अब तो अंत जरूरी है। अरे दिल्ली की गद्दी पर अब ये 56 इंच वाला जरूरी है। बहुत बढ़िया। आपने वीर और ओज से भरी कविता सुना करके पूरे माहौल में एकदम गर्मी भर दी है। इसी के साथ ये पड़ाव हमारा अनंतिम है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस महफिल में होता है कवियों का धमाल, क्योंकि ये है सतमोला कवियों की चौपाल। अगर आप भी हैं गीत गजल छंदों के रचनाकार तो स्वागत है आपका अगली बार। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपनी रचनाओं को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमसे जुड़िए। हमारा नंबर है 9711182183। हमें रहेगा आपके फोन कॉल का इंतजार। तब तक के लिए जय हिंद। आज हमारे बीच में सबसे पहले मैं अगर जिनको कहूं आज अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं भारत सरकार में, आप चुनाव आयुक्त रहे संघ शासित राज्यों के दमन दीव और अंडमान निकोबार के, दादरा नगर हवेली के आप चुनाव आयुक्त रहे हैं, पूर्व में IAS रहे हैं और विद्वान साहित्यिक व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं। मैं उनको बड़ा ही आदर के साथ उनका सम्मान करता हूं। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें नरेंद्र कुमार जी का। मुझे आज ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आज आप सब के बीच में शामिल हुआ। आपसे मैं इसके बारे में कई वर्ष हो गए सुनते हुए, मैं कई वर्षों से आपकी सतमोला चौपाल देखता भी रहा हूँ, कवियों को सुनता भी रहा हूँ, पर आपके बीच में आने का जो आपने मुझे आज सुअवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका पहले तो आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक बात है ये सतमोला, आपने जब चौपाल शब्द का कहा कि आप चौपाल के आपने मायने बदल दिए, बिल्कुल सही कहा। चौपाल लोगों को इकट्ठा करने का एक आपस में कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का माध्यम हुआ करता था और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो समाप्त हुआ, अब आपने नई टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया को लेके जो चौपाल को एक नया रूप दिया, नया रंग दिया, नया कलेवर दिया, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और आपने जो स्टार्ट किया, शुरुआत की 2015 अगस्त को, तो ये उस समय एक छोटा सा प्रयास था और कुछ कवियों को आपने बुलाया और नव अंकुर कहें तो बेसिकली ये एक नर्सरी थी कवियों की। आपने एक नर्सरी को सिंचित करते हुए आज 19 वर्ष बाद एक वृक्षों के मैच्योर कवियों के एक वन में आपने इसको बदल दिया है, ये बहुत ही बहुत सराहनीय बात है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आशा करता हूँ कि मुझे भविष्य में भी आपके यहाँ पे आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। आपने आप बता रहे थे 25,000 कवियों का ये एक विशाल काय, एक छोटी सी क्यारी को आपने 25,000 कवियों के वृक्षों के वन में बदल दिया और इस वन से जो सुगंधित बयार निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है, अलग अलग भारत की अलग अलग भाषाओं की ध्वनियाँ निकलती है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय कदम है दूसरी संस्थाओं के लिए भी, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और सानी होगा। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों के चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों के चौपाल के, तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला तुम्हें से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया।
और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन।